शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर हम सच बोले तो जब भी हम सबको इस तरह एक साथ देखते तब हमें दिलीप भैया की बहुत याद आती। वो हम सबका कितना ख्याल रखते थे, सबका हाल चाल पूछ रहा। जोड़े रखते थे वो सबको और उनकी आखिरी इच्छा भी तो यही थी ना, इसीलिए हमने सोचा कि आज सब साथ में मिलकर नाश्ता करते हैं और फिर इकट्ठे यहीं से महाआरती के लिए चलेंगे और आरती के लिए प्रसाद भी तो बनाना है। अरे ताई जी, कीर्ति नजर नहीं आ रही। श्रद्धा वो कल रात भर पुलिस की ड्यूटी कर रही थी अपनी, बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ। भाभी आपसे कुछ बात करनी थी। वो कुणाल की ना एक अच्छी नौकरी लगी है पर नाइट शिफ्ट है। क्यों नाइट शिफ्ट में? क्यों आप ही देखिए ना, पूरा दिन तो भैया उसे नौकर बना के रखता है, छोटा बड़ा हर काम करता है। अब उसे भी तो कुछ करना है ना अपनी लाइफ में, तो उसे नौकरी मिली तो उसने ले ली और अभी भैया का प्रकोप उठे इससे पहले, इसलिए वो चादर तान के सो रहे हैं। अरे श्रद्धा आप कीर्ति के लिए पूछ रही थी ना, वो देखिए कीर्ति आ गई। अरे कीर्ति तू भी हाथ मुंह धो ले और आजा हमारे साथ खाना खा ले। नहीं दीदू हम बहुत थके हुए हैं, वैसे भी हमने नाश्ता खाने में मंगवा लिया था। कीर्ति चलिए पानी पीने। क्या हुआ इतनी थकी हुई लग रही है, सब ठीक है? मत पूछिए दीदू। अरे कल पूरे रात ना पुलिस टीम इस बब्बर शेर गैंग को पकड़ने में लगी हुई थी और कल तो इन्होंने एक दो चोरी नहीं, एक साथ चार चोरी की है। क्या? पर एक साथ चार चोरी कैसे हो सकती है? वो मेरा मतलब है कि अगर गैंग एक है तो एक साथ चार चार जगह चोरी कैसे कर सकते हैं? क्या बताएं इन गैंग वालों ने क्या क्या कर रखा है। अभी कुछ दिन पहले गैंग के लोगों ने एक आदमी को इतना मारा कि वो मरते मरते बचा, अभी भी हॉस्पिटल में। ये भाभी जी किसकी बात कर रही हैं? हमने तो सिर्फ दो ही जगह चोरी की थी, ये दो की चार कैसे हो गई? कहीं कोई हमारे नाम से तो नहीं? हे भगवान ये तो बहुत बुरा हो रहा है। माता रानी अपनी कृपा बरसाए रखे और उन चोट लगने वालों को जल्दी से ठीक कर दे। कल रात तुम कहां थे अभय? कोई खास वजह पूछने की? नहीं नहीं कोई खास वजह नहीं, बस ऐसे ही। तुम ऐसे ही पूछ रही हो या पूछताछ कर रही हो मेरे भाई से? नहीं वरुण जी ये तो हमारा काम है और क्या करें, अब आदत से मजबूर है, हर समय हर वक्त घर हो या थाना हमारी नजर ना सब पे होती है। हमारे पास भी कुछ छुपाने के लिए नहीं है भाभी जी। और कुछ? रात में बेचैनी हो रही थी, आजकल होती रहती है, इसलिए बाहर हवा खाने गया था। सवाल का अच्छा जवाब दे रहे हो तुम, चलो एक और सवाल पूछते हैं इसका जवाब। अब तुम्हारी नौकरी तो ये एक दो दिन पहले ही लगी है ना, तो तुम्हारे पास इतनी महंगी घड़ी कहां से आई? और आजकल ऐसे भी तुम्हारे खर्चे काफी बढ़ गए हैं, इतनी सारी चीजें ला रहे हो तुम, हम भी इसी घर में रहते हैं देख रहे हैं कैसे पैसे उड़ा रहे हो। क्या बात है, कुबेर का खजाना हाथ लग गया है? कीर्ति ये क्या तरीका है हमारे बेटे से बात करने का, और ये घर है तुम्हारा थाना नहीं। हमने ऐसा क्या गलत पूछ लिया चाची जी, क्या आप इतना भड़क गई? कीर्ति
हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारी ये तेंदुए वाली तेज आंखें बिना इधर उधर घुमाए सीधा अभय पे आकर ही क्यों अटकी। भाभी हम आपसे कह दे रहे हैं क्योंकि अगर हम कुछ बोलेंगे तो फिर आपका और हमारा रिश्ता खटाई में आ जाएगा, तो आप अपनी अफसर बहू से बोल दीजिए क्योंकि अब हम अपने बेटे के खिलाफ कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। कीर्ति माँ हम कुछ गलत नहीं बोल रहे, तो आप हमें ऐसे मत देखिए। कीर्ति बस करना, अब चुप हो जा, बहुत हो गया। चुप अब मैं नहीं रहूंगा। बात इन्होंने बढ़ाई, अब मेरे पास भी कुछ सवाल है जो मैं अपनी भाभी जी से पूछना चाहता हूँ। सरकारी नौकरी में इतनी तनख्वाह तो नहीं होती? इतनी महंगी अंगूठी खरीदी जाए, ये अंगूठी आपके पास कहाँ से आई? बताइए। अबे, तू इस तरह से कीर्ति से बात नहीं करेगा। आपके मुंह में दही जमा था जब यही सवाल मुझसे पूछे जा रहे थे, तब तो एक शब्द नहीं निकला आपके मुंह से। और हाँ, अगर बोलने की आदत है तो सुनने की भी आदत बना लो तुम। अब नहीं मानती हूँ कि कीर्ति को इस तरह से अभय से सबके सामने ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए थे, मगर अभय सिर्फ कीर्ति से सवाल नहीं पूछ रहे, वो इसके काम पर इसकी वर्दी पर उंगली उठा रहे हैं। ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए, पूरे शहर की मदद कर रही है, हम सब के लिए काम कर रही है। क्या हुआ कीर्ति, तू मुझे यहाँ पर ऐसे क्यों लेकर आई? दीदू आज मंदिर में माता रानी के गले में जो हार है उसकी चोरी होने वाली है। अभी अभी खबरी से टिप मिली है। कौन से मंदिर में? माता रानी के बड़े वाले मंदिर में। कीर्ति ये तो क्या बोल रही है, हम सब महाआरती के लिए वहीं जा रहे हैं। इसीलिए आपको हम ये बात बता रहे हैं ताकि आप वहाँ होशियार रहें और सबका ध्यान रखें। कीर्ति ये क्या बोल रही है तू, पूरा परिवार वहीं पर होगा, किसी को कुछ भी हो सकता कुछ है। नहीं होगा, बब्बर शेर गैंग के लिए पुलिस वालों ने वहां जाल बिछाया, तो पुलिस वाले भी वहां होंगे और आज उस गैंग का लीडर हमारे हाथ से बच के नहीं निकल पाएगा। सोचोगे नहीं तुम लोग मुझसे, आज धोखा दिया तुम लोगों ने मुझे, बिना बताए दो जगह चोरी की तुमने, और किनके घर, जो आगे से लाचार हैं। किसका आइडिया था ये? सुखी तेरा? बबू तू शायद तेरा राजा। नहीं भाई, आप एक बार मेरी बात समझने की कोशिश। कितनी बार बताया है किसके घर हम चोरी नहीं करेंगे, उस बेचारे गरीब की बेटी की शादी है, तो तुम लोगों ने उसे इतना मारा कि वो हॉस्पिटल पहुंच गया। आपकी कसम खा के बोल रहा हूँ शेरा भाई, अगर झूठ बात करूंगा ना तो इधर ही छोड़ जाऊंगा। मैंने कोई चोरी वोरी नहीं किया। उनका ये सुन के तो मेरा खुद का दिमाग चकरा रहा है कि ये लोग है कौन जो चुरा रहे। मतलब कोई काम अपना कर रहा है और नाम हमारा इस्तेमाल कर रहा है, पर ये कर कौन सकते हैं? पता लगाते ना इन लोगों के बारे में शेरा भाई। पर कैसे? मैं बताता हूँ ना, दो बातें खबरी से पता चली ली मेरे को। पहली, आज माता रानी की मंदिर में महाआरती के लिए माता को सोने का हार चढ़ेगा, और दूसरी खबर ये फैले ली है कि उसको चुराने के लिए हम लोग ही जा रहे। बताओ, मतलब सारी प्लानिंग खुद की तो नाम हमारा, सब तैयारी कर लो महाआरती की, पर इस बार हम चोरी नहीं करेंगे, उन चोरों को पकड़ेंगे। पकड़ के रहेंगे हम इस बार गैंग के लीडर को, आज कुछ नहीं आने देंगे हम अपने रास्ते में। ऐसे रास्ते पे अभय कभी चल ही नहीं सकते, पर माता रानी आज कीर्ति के मन से अभय के लिए शक दूर कर दीजिएगा।
पकड़ूंगा तो मैं उस चोर को जो हमारे नाम से चोरी कर रहा है। महाआरती बड़ी पूजा होती है तो मैंने सोचा रोशनी का होना जरूरी है इसलिए बुला लिया। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है, रोशनी हमारे साथ मंदिर जरूर चलेगी लेकिन सबसे पहले हमारे साथ प्रसाद बनाएगी। आओ बेटा। हर साल ये प्रसाद मैं ही बनाती थी, इस बार वो हक भी छीन लिया मुझसे। तुझे अपनी ड्यूटी पे जाना है ना, तो तू जा, तुझे कहीं देर ना हो जाए। मेरा दिल कहता है कीर्ति कि तू आज उस गैंग मेंबर को जरूर पकड़ लेगी। जाने को तो हम कब से तैयार हैं, लेकिन सब चले तब तो। अरे जल्दी कीजिए वरना महाआरती में देर हो जाएगी। अरे ये वरुण और अभय कहाँ रह गए? वरुण ने तो कहा है कि वो दफ्तर से सीधा मंदिर आएंगे। और अभय? बुआ जी अबे भैया को तो पूछो ही मत, वो भी थोड़ी देर पहले यहीं बैठे थे और फिर अचानक से पता नहीं कहाँ उठ के चले गए। कहाँ गए हो सकते हैं अबे? कहीं कीर्ति की कही बात सच तो नहीं? और कुणाल कहाँ गया? अब आरती कुणाल कहाँ है? उसे क्या हमारे साथ नहीं चलना? नहीं भाभी कुणाल नहीं आ रहे हैं, उनको अचानक से कुछ जरूरी काम आ गया तो वो कहीं बाहर गए हैं। अच्छा चलिए हम लोग मंदिर चलते हैं क्योंकि अभय को तो महाआरती के बारे में पता ही है, वो खुद आ जाएगा वहां। महाआरती शुरू करते हैं, आप सब लोग माता रानी का ध्यान करिए। I'm not afraid to die.
अनर्थ हो गया, माता रानी का हार चोरी हो गया, शाप लगेगा उस चोर को। अरे हिम्मत तो देखो चोर की कि उसने मंदिर तक को नहीं छोड़ा। भाभी ये किसी एक का काम नहीं हो सकता, ये पूरी की पूरी गैंग ने मिलकर चोरी की है। वो क्या नाम है उस गैंग का? बब्बर शेर गैंग। हाँ वही, चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना भी उनको नसीब ना हो, माता रानी का हार चोरी कर लिया। बुआ जी मुझे ना बहुत डर लग रहा है, उन्होंने इतनी इतनी बड़ी चोरी कर ली, इसका मतलब वो अभी भी इस भीड़ के बीच में हो सकते हैं। हे भगवान, वो गैंग तो बहुत ही खतरनाक है। अरे अरे क्या कर रहे हो? शांत हो जाइए। अरे पुलिस आपके साथ है, भाग देर मत बचा कोई। रुक जाओ। हम पुलिस हैं, हम आपके साथ हैं। सारी महिलाएं एक तरफ और सारे मर्द दूसरी तरफ, चलिए जल्दी चलिए इधर आइए। जब तक सबकी तलाशी ना हो जाए कोई यहां से बाहर नहीं जाएगा। तो आप चेकिंग करो। ये भाग क्यों रही है? कहीं यही चोर तो नहीं? रुको, घूमे इधर, तलाशी दो, घूमो। अबे बिना तलाशी लिए किसी को जाने मत देना। के पीछे जो इसकी असलियत है ना, वो आज हम सबके सामने लाएंगे। तेरे पास क्या सबूत है कीर्ति कि अभय ही चोर है? ये तो जिस चोर के पीछे हम भागे थे ना, हमने उसके पांव पे गोली मारी और
अगर अभय चोर नहीं है तो हमारी तसल्ली के लिए उसे अपने पांव दिखाने में शर्म नहीं आनी चाहिए। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।